हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में, और आज की वीडियो की जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यानी कि सारी न्यूज़ में जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीसी के अपडेट से रिलेटिव। तो फाइनली आपको चौंकाने वाला एक अपडेट है कि अपकमिंग वंडर वूमेन मूवी जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली है, उसमें हॉक गर्ल और हॉक मैन कन्फर्म हो चुके हैं। ये ऐसे मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर हैं जो कि डीसी यूनिवर्स में और कार्टून सीरीज में और जस्टिस लीग में हमने देखे थे, पर अब हमें ये सबसे पहले रेफरेंस में और कैमियो में देखने को मिलेंगे वंडर वूमेन। तो उसका साफ साफ एक और रेफरेंस निकल के आता कि अपकमिंग जस्टिस लीग में ये कैरेक्टर हमें दिखने वाले हैं। उसी के साथ एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटिव कुछ बिहाइंड द सीन नजर आए हैं, जिसमें कि थॉर एक्टर हमें एसगार्ड में दिखते नजर आए, उनके पीछे रॉकेट रकून और थॉर का पेट निकल रहा है, थॉर एक जगह दारू पी के सो रहे हैं। तो ये सारी तीन इमेजेस जो काफ़ी अजीब सी लग रही हैं, तो एक्चुअल में काफ़ी लोगों का मानना है कि रूसो ब्रदर ने थॉर के एक्टर को बर्बाद कर दिया, बट ऐसा नहीं है। इसका एक अच्छा सा रिजल्ट हमें आगे फ्यूचर आने वाली मूवी में देखने को मिलेगा। तो अब जो भी बिहाइंड द सीन आए हैं थॉर से रिलेटिव, ये मेरे फेसबुक पेज पर डले हुए हैं, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगला अपडेट है सेबेस्टियन से रिलेटिव। सेबेस्टियन ने अभी हाल ही में रिवील करा कि मेरा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ प्ले करने में, वो है डीसी का सुपर विलेन रेडलर। तो ये एक ऐसा विलेन है जो कि सबके लिए क्वेश्चन मार्क बना के रख देता है, यानी कि मिस्टीरियस विलेन। तो काफ़ी अच्छा है अगर उन्हें ये रोल मिल जाता है, चाहे अगर वो चाहे करना तो पॉसिबली शायद ये इन फ्यूचर ये कैरेक्टर कर सकते हैं। उसी के साथ गेम स्पॉट ने अपनी वेबसाइट पे एक इमेज डाली जिसमें कि मार्वल के 10 ईयर्स के प्रोडक्ट देखने को मिले, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और ब्लैक पैंथर से रिलेटिव थे। देन उसके साथ अगला अपडेट काफ़ी कमाल का, ब्लैक विडो मूवी में फाइनली साउंड मिक्सर ऐड हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में काम कर चुके हैं और मिशन फॉलआउट में भी काम कर चुके हैं। और एक और काफ़ी कमाल का अपडेट, अभी हाल ही में ये पता चला है, ये एक रूमर भी हो सकता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है, फिर भी पता ये चला है कि ब्लैक विडो की जो टाइमलाइन होगी वो सिविल वॉर के बाद की होगी। तो पॉसिबली, क्योंकि इससे पहले पता जा रहा था कि ये मूवी विजिट करने वाली है 1996 में। उसी के साथ एक और काफ़ी कमाल का अपडेट, कुछ फैंस का मानना है कि नॉर्मन ऑस्बॉर्न जो कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में आने वाले हैं, पॉसिबली वो ईविल आयरन मैन का रोल प्ले कर सकते हैं। ये आपने कॉमिक बुक में और टीवी सीरीज में भी देखा होगा स्पाइडरमैन की अल्टीमेट। तो पॉसिबल अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कुछ फैंस को तो ये अजीब सा लगेगा, पर एक तरीके से ये एक नई शुरुआत होगी ईविल आयरन मैन की। देन उसी के साथ अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का, जो कि सेबेस्टियन कंफर्म करते हैं अपकमिंग विंटर सोल्जर सीरीज जो आने वाली है वो अक्टूबर से स्टार्ट होगी उसकी शूटिंग, जो कि सेबेस्टियन ने कंफर्म करा है। और एक और अपडेट काफ़ी कमाल का, WB की तरफ से अभी हाल ही में बैट वूमेन का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसमें कि यूट्यूब पर देखने के बाद यही पता चलता है उनके लाइक और डिफरेंस को देखकर कि लोगों ने ये ट्रेलर बिल्कुल पसंद नहीं करा है। अब लाइक के डिफरेंस को तो देखिए कितना ज़्यादा अंतर है, और अब तो ये और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और एक और अपडेट काफ़ी कमाल का, जॉन विक को मिल चुका है सिनेमा स्कोर A-, जो कि मेरे हिसाब से परफेक्ट है, और मूवी भी काफ़ी अच्छी गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं इस मूवी को, और इसका चौथा पार्ट भी कंफर्म हो चुका है, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में बता दूं। देन उसके बाद रॉबर्ट पैटिंसन कंफर्म हो चुके हैं बैटमैन मूवी के लिए। देन उसी के साथ इस मूवी में 2 विलेन ऐड हो चुके हैं, जो कि है पेंगविंग और कैटवूमैन। और देन बता दूं आपको, कैटवूमैन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी है। तो देखते हैं जल्दी से जल्दी वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इंस्टाग्राम पर, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है एक पूरी ऑफिशियल कास्ट के साथ। देन उसके साथ अगला अपडेट एक बिहाइंड द सीन कैप्टन अमेरिका का फुली HD काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर डला हुआ है। अब जो अगला अपडेट है वो काफ़ी कमाल का और एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ है। अभी हाल ही में मार्वल स्टूडियो ने एक पिक डाली पूरी फीमेल सुपर हीरोज़ के साथ, जिसमें कि ब्लैक एंड वाइट में हमें नॉर्मल नज़र आ रहा था, पर मैं फाइनली इन सुपर स्टार को फॉलो भी करता हूँ, जिसमें कि मैं गमूरा वाले कैरेक्टर को भी फॉलो करता हूँ, यानी कि जोया। उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने ऊपर लिख दिया द फ्यूचर्स। तो इसका मतलब इन फ्यूचर हमें फीमेल एवेंजर्स की मूवी देखने को मिल सकती है, और इससे पहले भी काफ़ी रूमर्स आ रहे थे कि A4 एवेंजर के नाम की एक मूवी आ सकती है इन MCU में Phase 4 में। तो पॉसिबली उन्होंने अगर ये फ्यूचर का जो अपडेट दिया है तो मैं तो उम्मीद ही करूँगा कि ये सच निकले और हमें इन फ्यूचर फीमेल एवेंजर्स की मूवी देखने को मिलेगी, जिसमें कि सारे एवेंजर्स होंगे फीमेल में, क्योंकि आपने इसका एक छोटा सा सीन तो एवेंजर एंडगेम में भी देख चुके हो। देखना अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का, बॉस बेबी 2 कंफर्म हो चुकी है, जो कि इन वर्किंग में है, और देन जल्दी से जल्दी इसका अपडेट भी हमें देखने को मिलेगा क्या क्या आते हैं। देन उसके साथ स्पाइडरमैन का एक नया लुक नज़र आया है ब्लैक सूट में, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक और अपडेट काफ़ी कमाल का, हल्क इनक्रेडिबल और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ये आपस में कनेक्टेड हैं। अब ये कैसे कनेक्टेड है इसका भी मैंने आंसर अपने इंस्टाग्राम पे दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद डिटेक्टिव पिकाचू कंफर्म हो चुकी है इन फ्यूचर, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और इसका एक यूनिवर्स भी अपना खुद का, तो पॉसिबली और भी काफ़ी सारी मूवीज आने के चांसेस हैं। उसके बाद केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया कि मार्वल Phase 4 यानी कि 5 साल तक इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी कि 5 साल तक और मूवी लॉन्च करेंगे। उसी के साथ अगला अपडेट काफ़ी कमाल का, अभी हाल ही में रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने फेयरवेल की एक इमेज डाली, वीडियो डाला, जिसमें कि कैथरीन का एक हमें लुक नज़र आया
पर वो मूवी में इंक्लूडिंग नहीं थी, पर इस बिहाइंड द सीन में हमें देखने को मिल रही है। अब अगला अपडेट काफ़ी कमाल का, अवतार को पास कर चुकी है एवेंजर एंड गेम, जैसा कि आपको सबको पता ही है, क्योंकि अवतार ने ओवरऑल जो कमाए थे पूरे अपने डेज में वो कमाए थे 760 मिलियन, पर एवेंजर एंड गेम ने कमा के रख दी डोमेस्टिक में 800 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी बात है मार्वल फैंस के लिए। उसी के साथ अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का, काफ़ी फैंस का दिल भी टूटने वाला है। स्कारलेट जॉनसन ने शादी कर ली है क्लोइन से, और देन मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, और देन आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि उनकी ये तीसरी शादी है, यानी कि वो ऑलरेडी 2 शादी पहले भी कर चुकी हैं। उसके साथ अगला अपडेट है जो काफ़ी कमाल का, वो है रीमेक का। तो अभी हाल ही में पता चला है कि वॉल्ट डिज्नी में रीमेक में जो सबसे ज़्यादा बजट की मूवी है 300 मिलियन वो है मौलान। तो ये लाइव एक्शन रीमेक मूवी है जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में अलादीन, फिर अभी ये मुलाना आने वाली है, तो मज़ा आने वाला है। अभी हाल ही में पता चला है लीगो सेट से कि स्पाइडरमैन के पास एक और अपना नया सूट होगा, जो कि हमें अभी तक रिवील नहीं करा गया, पर इस आर्ट में देखने को बाद पता चल चुका है। उसी के साथ जेम्स बॉन्ड एक और नई मूवी पे काम कर रहे हैं, जिसका नाम है मॉडल कॉम्बैट, जो कि एक धमाकेदार मूवी और हॉरर टाइप में होने वाली है। अब एक और अपडेट काफ़ी कमाल का, जो कि आपको चौंकाने वाला है, जेम्स गन की जो मूवी थी गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम, उसमें पता चला कि मैन थिंग भी था, जो कि लास्ट में हमें देखा गया। तो ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, और इससे ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि एमसीयू में मैन थिंग भी विजिट करता है, तो पॉसिबली इन फ्यूचर हमें मैन थिंग भी देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपको कौन सा अपडेट पसंद आया मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।